हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम अपने स्कूटर को लेकर के आए हुए हैं इधर। तो अभी आप ये देख सकते हो कि हमारा स्कूटर जो है 61% चार्ज है और 76 किलोमीटर हमें ये रेंज दिखा रहा है। और देख सकते हो कि किस स्पीड पे मैं इस स्कूटर को चला रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस मोड पर आपको इस स्कूटर को चलाना चाहिए, कौन सा मोड बेस्ट है। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि इको मोड पर मैं चला रहा हूँ और ये जो रोड है अभी आप देख रहे हो कि खाली आपको दिख रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी इधर पीछे की तरफ, इसीलिए मैंने अपने कैमरे को वहाँ पे ऑन नहीं किया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर इसी तरह के रोड पे आपको गाड़ी चलानी है तो इको मोड में ही आपको चलाना होगा। दोस्तों देखो, इको मोड पर हम इस तरह के रोड पर चला सकते हैं। ये जो रोड है, अगर इस तरह से ही रोड है और खाली रोड है तब तो आप नॉर्मल चला सकते हो। बाकी नॉर्मल मोड पर थोड़ा सा गाड़ी एकदम से तेज़ हो जाती है। तो नॉर्मल मोड पर अगर आपको चलाना है तो थोड़ा सा खाली रोड आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि ये रोड आप देख रहे होते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ भी ज़्यादा है और लोग भी इधर उधर कहीं से भी कभी भी आ जाते हैं। साइड में मतलब टूटा फूटा है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टूटा फूटा आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे सड़कों पे आपको इको मोड पे ही इस स्कूटर को चलाना होगा। बाकी आप नॉर्मल करते हो तो आपको लगेगा कि मतलब कुछ ज़्यादा झटके लग रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ब्रेकर, देखो यहाँ पे भी ब्रेकर है, ये देखो यहाँ पे भी, कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ पर कोई गड्ढा होगा या क्या होगा। तो ऐसी सड़कों पर आपको इको मोड पर ही चलाना चाहिए। नॉर्मल अगर आप करोगे तो फास्ट रहेगा, हालांकि इसी स्पीड पे भी आप नॉर्मल में चला लोगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल करते हो जैसे कि देखो भाई, देखो ये देखो, तो ऐसी सड़क है जिस वजह से इको मोड पे चलाना ही ठीक रहेगा। क्योंकि इससे आपको एक तो फ़ायदा होगा कि आपकी बैटरी ज़्यादा टाइम तक चलेगी, मतलब ज़्यादा रेंज आपको देगी, ज़्यादा किलोमीटर तक आप चला पाओगे। और कोई फ़ायदा भी नहीं है नॉर्मल मोड पर करने का। बाकी नॉर्मल मोड आप उन सड़कों पे करो, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, उन सड़कों पे क्या है कि चौड़े चौड़े सड़कें हैं और वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी गाड़ियाँ सही चलती है, ज़्यादा रोड पे क्राउड आपको देखने को नहीं मिलता है, मतलब कम से कम जगह जगह आपको गड्ढे या ब्रेकर देखने को नहीं मिलेगा। देखो इस तरह के रोड पर तो आप, मुझे नहीं लगता कि 40 किलोमीटर से ज़्यादा की तेज़ी में आप चला पाएंगे, क्योंकि देख सकते हो किस तरह का रोड है और कितने सारे मतलब ये खुले हुए जगह हैं जहाँ पर कोई भी मतलब किधर से भी गाड़ी मोड़ सकता है कभी भी। ऐसे रोड पे भाई स्पोर्ट मोड तो आप बिल्कुल मत चलाना और मुझे नहीं लगता कि चला पाओगे। बाकी अगर आप कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट हो तब आप चला सकते हो। बाकी ऐसे रोड पे मुझे नहीं लगता कि आप स्पोर्ट मोड को यूज़ करने वाले हो, क्योंकि स्पोर्ट मोड कर दो तो ज़रा सा घुमाते ही गाड़ी क्या भागती है कितनी तेज़ी में, वो आप चलाओगे तभी आपको पता चलेगा। मेरे इस स्कूटर में हवा भरवाए कई दिन हो चुके हैं, मैंने जब से ये स्कूटर लिया है तब से अभी तक एक बार ही हवा मैंने भरवाया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हवा थोड़ा सा कम हो मेरे इस स्कूटर में, क्योंकि ये थोड़ा सा जंप भी कर रही है गाड़ी हल्के हल्के। देखो भाई, रोड खाली हो गया। तो गाइस, अभी मैंने इसको नॉर्मल मोड कर लिया है और आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारी गाड़ी अब चल रही है, क्योंकि रोड जो है खाली है। बाकी आपको कहीं ना कहीं गड्ढे अगर देखने को मिले तो दिक्कत होगी। और स्पोर्ट मोड अगर मैं करके दिखाऊं तो ये देखो स्पोर्ट मोड हो गया है। और इस रोड पे स्पोर्ट मोड करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखो मैंने हल्का सा रेस दिया है और गाड़ी देखो कितनी तेज़ी में भाग रही है, एकदम से स्पीड बढ़ जा रही है भाई। तो अगर आपको कोई पीछे से हॉर्न दे कि भाई जल्दी चल जल्दी चल, तो ऐसे में आप स्पोर्ट मोड तो मत ही करना, नॉर्मल करोगे और तो आपको इतना फील तो हो ही जाने वाला है कि आप उस गाड़ी से आगे निकल जाओ। ऐसे ऐसे लोग हैं मतलब कभी भी कहीं से भी निकल जाते हैं, मतलब कुछ लोग जो है कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट जब हो जाते हैं ना चलाने में, मतलब उनके हाथ जब बैठ चुके होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो ऐसे में लोग यही करते हैं, कहीं से भी निकल जाएंगे साइड से और एकदम से ले आएंगे। वैसे में वो तो गिरते नहीं है, लेकिन दूसरों को गिरा के निकल जाते हैं। देखो भाई, इस रोड पर अंधेरा भी काफ़ी है। बाकी दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ कंपनी को ठीक कर देना चाहिए था। वो क्या है कि हम जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं पार्किंग मोड से, जब भी हम इसको हटाते हैं तो उस टाइम हमें यहाँ पे इको मोड कंपनी को देना चाहिए था। अभी क्या होता है कि मैं पार्किंग से हटाऊंगा और ये नॉर्मल मोड पे आ जाएगी गाड़ी, मतलब चलाने के लिए नॉर्मल मोड पे हमें चलाना होगा। और उसके बाद इको मोड करना है तो हमें बटन को प्रेस करना होगा, लॉन्ग प्रेस, तब वो इको मोड पर जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये इको मोड पहले देना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल करना है या स्पोर्ट करना है, आपकी गाड़ी कहीं मतलब आपने बंद की और दोबारा आप स्टार्ट कर रहे हो,
तो आपको स्टार्ट करते ही इको मोड देना चाहिए था, क्योंकि लोग गाड़ी चलाते ही ऐसा तो नहीं है कि तेज़ी में भगाना शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम क्या होता है लोग धीरे धीरे चलाते हैं, इसके बाद जब गाड़ी चलने लगती है उसके बाद लोग थोड़ा सा स्पीड उसको करते हैं, तो जब स्पीड करने का मन करे तब यहाँ से हम बटन दबाए और उसके बाद नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर दोबारा बटन दबाए तो स्पोर्ट हो जाए, तो इस तरह से मोड देना चाहिए थे। तो स्पीड को कम करने के लिए इको मोड पे लाने के लिए लॉन्ग प्रेस करना होता है, जबकि अगर उसको इको मोड हमें पहले दे दिया जाता कि इको मोड पे गाड़ी रहेगी तुरंत आप नॉर्मल कर लो और चल दो वन क्लिक में, तो ज़्यादा बेटर रहता। ये मैं फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगा, नहीं तो मेरे को दिखाने का बहुत मन है, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं हेलमेट वाला माउंट लूँ या फिर चेस्ट वाला माउंट लूँ जो गोप्रो का होता है, तो वो मैं लेने के बारे में पिछले कई दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया। आज मेरे मन में एकदम से आया तो मैंने अपने ट्राईपोड से अपने गोप्रो को माउंट कर रखा है, तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से माउंट है और कितना बढ़िया क्लियर आपको नज़र आ रहा है। बाकी मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी सोच रहा हूं कि पता नहीं वीडियो सही से रिकॉर्ड हो भी रही है या नहीं हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कपड़े इसके आगे आ गए हो। बाकी ये देखो, ये भाई को देखो। तो मैं अभी आपको बता दूं कि गाड़ी चलाने मुझे नहीं आता था और अभी मैं सीखा हूं, और मैं सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ का रख रहा हूं कि मुझे अगल बगल में ध्यान रखना है और पीछे से आते हुए हॉर्न को ध्यान रखना है, सही से चलाना है। और मैं आपको बता दूं मैंने हेलमेट भी लगा रखा है और सही से लगा रखा है, इसीलिए मैं अभी सही बताऊं तो मैं वीडियो कम रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन इधर उधर मेरा ध्यान ज़्यादा है कि सही से मैं चला रहा हूं या नहीं चला रहा हूं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी लोगों की बात करें तो आज के टाइम में लोग जो है मतलब भाग दौड़ भरी इस दुनिया में लोग इतने परेशान हैं, जिसको देखो हर कोई जल्दबाजी में रहता है और ज़रा सा किसी के साथ कुछ हो जाए लोग ऐसे उबल उठते हैं, जो कि आप जानते ही हैं। तो मैं आपको सही बताऊं तो अगर इस तरह का सड़क है तो आपको फील होगा कि आपको इको मोड ये सही दिया हुआ है, बाकी नहीं तो आपको लगेगा कि नॉर्मल मोड ही कंपनी को देना चाहिए था, इको मोड में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है गाड़ी। भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप इको मोड में चला सकते हैं, बाकी अगर रोड ये पूरा खाली होगा तब आप इको मोड में चलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाएंगे और बोर फील करने लगेंगे, क्योंकि हाईवे पे क्या होगा कि हर कोई भाग रहा होगा 40 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे। मैं सही बताऊं तो मैं अभी चला के देखा था तो 40 की स्पीड में तो कम ही बंदे चलते हैं, हर कोई 40 से ऊपर में ही चल रहा होता है। तो अगर आप मेन हाईवे पे हैं तो आपको इको मोड की बिल्कुल भी वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, वहाँ पर आपको नॉर्मल मोड की ही ज़रूरत पड़ेगी और आप नॉर्मल मोड पर ही गाड़ी चलाएंगे, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा इको मोड पे चलाने में। अभी कुछ भाई कमेंट करेंगे कि मैं इस रोड पे नॉर्मल मोड में भी चला सकता हूँ अच्छे से, बाकी मैं जहाँ तक चला पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे रोड पे मैं इको में ही चला पाऊँगा, और नॉर्मल जो है हाईवे पे मैं जब चला रहा था तो वहाँ भाई नॉर्मल पे मैं चला रहा था। एक बार मैंने स्पोर्ट मोड किया था लेकिन फिर मुझे लगा नहीं भाई स्पोर्ट मोड की मुझे ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी मतलब कंट्रोल से बाहर हो रहा था मेरे से, ये जो है बहुत तेज़ी से मतलब हिलने लगा था, तो ये जो मेरा हैंडल है स्कूटर का ये भाई बहुत तेज़ी से हिलने लगा था, तो मुझे लगा कि भाई मैं तो स्पोर्ट मोड पे बिल्कुल नहीं चला पाऊँगा ये। बाकी आपने इस पूरी वीडियो में देखा है कि ज़्यादातर मैंने इको मोड पे ही इसको चलाया है, क्योंकि इस रोड पर उतनी ज़रूरत ही नहीं है कि हम इसको स्पोर्ट मोड करें या नॉर्मल मोड करें। अभी आप देख सकते हो कि हमारी गाड़ी 570 किलोमीटर चल चुकी है और मेरा फ़ोन भी इस गाड़ी से कनेक्टेड है, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ देखने को मिल रहा है, देख सकते हो ब्लूटूथ कनेक्टेड यहाँ पे शो कर रहा है। तो गाइस मुझे अभी दूर जाना है और मुझे थोड़ा ठीक से चलाना होगा ध्यान सही से रखते हुए, और इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, धन्यवाद।